जल्दी भागो, ओ तेरी, जल्दी निकालो भाई। रोक दिया था कारी, लेकिन कुछ चेकिंग वेकिंग नहीं हुआ, बट लिटरली ये हमारे भाई साहब को सलाम ठोक रहे थे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का सेकंड दिन है वेर आई एम गोइंग फ्रॉम मेघालया टू दिल्ली ट्रिप। और ये गया सुबह के बज रहे अभी 5 और हम निकलने वाले हैं, और अगला होगा लखनऊ। सो लखनऊ में कुछ विल ट्राई टू रीच बाय नाइट, क्योंकि कुछ प्लान है वहाँ पे लखनऊ में। जैसे कि आपको पता है कि सीख कबाब बिरयानी फेमस है, तो वहाँ का कुछ डिशेस ट्राई करने के लिए हम कोशिश करेंगे कि रात तक पहुँच जाए, सो दैट वी कैन हैव मस्त डिनर। सो गाइस जुड़े रहिएगा। हमारा गूगल मैप सेट हो गया है और अभी हमें सिलीगुड़ी से निकलने की बारी है। और निकलते हुए हमने देखा कि यहाँ पे 16 hours and 56 minutes का डिस्टेंस बता रहा है भाई साहब। 890 किलोमीटर ट्रैवल करनी है। देखते हैं, रातों रात तो पहुँच जाएंगे, संभावना तो यही है, देखते हैं। अभी ये हमारा फुल लेवल हो गया है लो, और हम आए हैं पेट्रोल पंप पेट्रोल भराने के लिए सुबह सुबह, लेकिन पेट्रोल वाले भैया रेडी नहीं है, 10 मिनट वेट करने के लिए बोले हैं, उसके बाद पेट्रोल भरवा के चले जाएंगे। यहाँ पे भी रेट कितना है देख लेंगे, पिछली बार तो इतना हाई रेट का ले लेंगे। और यहाँ पे शायद रेलवे स्टेशन है, क्या है, आई थिंक सुमो स्टैंड है। यहाँ पे लोग टूरिस्ट लोग गाड़ी के लिए वेट कर रहे हैं। भैया सेब कितना है? 120 से देख लो भैया। 120 सेब है मीठा वाला? नहीं, आधा किलो दे दो, आधा किलो। आधा किलो लीजिएगा, एक किलो लीजिए ना, बहुत महंगा दे रहे हो। हैं? बहुत महंगा दे रहे हो, आधा किलो, आधा किलो दे दो। मेघालय में 120 है। नहीं 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 नहीं, आधा किलो दे दो, 50 का बताओ। नहीं नहीं नहीं, तब ऐसे कहाँ होगा, फिर रहने दो। हम तो बोहनी करने के लिए बोला कि 10 रुपए कम दे दीजिएगा, 1 किलो ले। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपका पड़ता नहीं खा रहा यार, हमारा भी नहीं खा रहा, कोई बात नहीं। एप्पल बेच रहा था 120 किलो, मेघालय में 120 किलो है, तो मैं यहाँ पे सिलीगुड़ी हुई तो सिलीगुड़ी में भी आके अगर मैं 120 का कहूँ तो। तो गाइस हमने पेट्रोल भरवा लिया और यहाँ पे पर लीटर 105 है, सेम रेट वही है कल जैसा पड़वाया था। सो और ये आपका बस स्टैंड है, ये बस स्टैंड डायरेक्ट जाती है फ्रॉम सिलीगुड़ी टू दार्जिलिंग, और बहुत सारे टूरिस्ट आपको देखने को मिल रहा होगा। दिस इज द मेन बस स्टैंड फॉर गोइंग दार्जिलिंग सिक्किम। तो ये आपका गैंगटॉक का रास्ता कितना है, 119 किलोमीटर डिस्टेंस है दार्जिलिंग, सीधा गैंगटॉक दैट साइड निकल गया। यही से ही मेन मीडियम है सिलीगुड़ी टू गो दार्जिलिंग गैंगटॉक, सब कुछ पास है, सब कुछ 100 किलोमीटर के समवेयर अबाउट सब कुछ पड़ जाता है। कोलकाता बागडोरा दार्जिलिंग वाला रास्ता यही से भी पड़ता है। मैं अगर मैं ऐसे ले जाऊँ जैकेट वैकेट पहना के इतनी गर्मी हेलमेट वेलमेट पहना के, तो तुम आओगी? नहीं मैं बाइक में ट्रैवल नहीं कर पाऊंगी ऐसे। देखो बाइकर कपल्स जा रहे हैं ट्रिप पे, कहाँ गया भाग गया स्कूटर वाला बाबा, आ गया वो हो गया। कोलकाता के बाद मेरे ख्याल से सिलीगुड़ी है जो सबसे बड़ा टाउन है। हाँ सही बोल रहा हूँ, गलत सही है, सही बात है। कोलकाता के बाद सिलीगुड़ी जमीन। तो गाइस हम फिर से मक्खन वाले रास्ते पे आ गए, पूरा मक्खन चकाचक, और चलाने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। सो वी आर लिविंग फॉर लखनऊ के
लखनऊ में क्या फेमस है? लखनऊ में टुंडे कबाबी, टुंडे कबाब, टुंडे कबाबी, टुंडे कबाब, टुंडे, टुंडे कबाब, टुंडे। हाँ तो वहाँ पे जाके हम दबाने वाले हैं टुंडे कबाब। और आ गया बिरयानी। अरे जो खाना खा लेना। अच्छा इसका मतलब पूरा रास्ता सिलीगुड़ी तक मैं कुछ नहीं खाऊंगी, डायरेक्ट लखनऊ में जाके अपना पेट भर लूंगी। सही है ना? हवा खाओ जब तक। यहाँ पे भी चाय की बगान है। सिलीगुड़ी ऑल्सो फेमस फॉर चाय की पट्टी, चाय पट्टी, चाय बगान, चाय बगान। सो गाइस यहाँ पे आके मेरा बाल फिर से फ्रीजी हो गया। माय गुडनेस, वेदर सूट नहीं करता यहाँ का। मेघालय सही है क्या मेरा बाल के लिए? सेकेंड डे वाले ट्रॉल। सो वेलकम टू एशियन हाईवे गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। कहा जाती है ये पीछे लेना पड़ रहा है। दुकानें ज़्यादा खोले नहीं है, मतलब ढाबे वाबे तो पूरा बने हैं। मुझे बहुत भूख लग रही थी सो इसलिए आमुल कूल और ये केक खाने वाली हूँ अभी मैं। अभी तक ढाबा कोई खुला ही नहीं, शायद सुबह के इतना सुबह सुबह तो खुलेगा नहीं, तो इससे ही काम चला लेती हूँ बस। मुझे पता है गदर नंबर टू आ रहा है फिल्म शार सनी देओल का। गदर टू? सच में आ रहा है? हाँ सुबह देखा मैंने फेसबुक पेज पे। फर्जी? फर्जी नहीं सच है। बहुत बड़ी बात। हाँ तो कैसा बोला सनी देओल ने? कैसा बोला गदर? ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी पे पड़ता है ना। अरे ये गदर में नहीं था, अशरफुल्लाह बोलो। जाता है अशरफ। हिंदुस्तान जिंदाबाद था। हिंदुस्तान जिंदाबाद है और जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। हम तुम्हारी फाड़ देंगे। अगर हिंदुस्तान के बारे में कुछ भी कहा मैं कहता हूँ हिंदुस्तान जिंदाबाद। हाँ जिंदाबाद जिंदाबाद। तो पास ही आपके लिए। मैं रात में ड्राइव कर लेता बट लड़की साथ में थी ना तो सिलीगुड़ी से निकलना सेफ नहीं होता। चलिए थैंक यू भैया। क्या ना अपने यूपी बिहार में तो सेफ है, बंगाल में नहीं लगता मुझे। ओके थैंक यू। ये लगा दे यार, आप तो हमारे भी गुरु निकले। मतलब यहाँ पर आप सेफ है, आप रात में कोई भी डर नहीं। तो बोलता है तू डर गई?
नहीं मैं नहीं डरी, मुझे पता। तो बोला यार तुम तो हमारे भी गुरु निकले, सलाम है तुमको। अब तो तुम साला मेघालय से आ गए। सो गाइस, ये कौन सा चेक पोस्ट था? किशनगंज। किशनगंज जो बिहार में पड़ता है, तो यहाँ पे थोड़ा रोक दिया था गाड़ी, लेकिन कुछ चेकिंग वेकिंग नहीं हुआ, बट लिटरली ये हमारे भाई साहब को सलाम ठोक रहे थे। क्योंकि वो बोल रहे थे कहाँ से आ रहे हो, मेघालय से, तो वो लोग चौकन्या हो गया, मतलब दे वर शॉक कि इतना छोटा ट्रिप कौन करता है। सो तुम देने वाले थे, यू शुड बी प्राउड ऑफ लगता है हम ही पहले आए हैं क्या मेघालय से? वो लोग तो सोच में पड़ गए कि मेघालय कहाँ था, और शिलोंग का नाम ले रहे, बट उन्हें क्या पता शिलोंग से भी आगे भीतर का जगह है गारो हिल्स। तो गाइस फाइनली हम बिहार के अररिया डिस्ट्रिक्ट में पहुंच चुके हैं, और ये मुझे मार्केट प्लेस लग रहा है, और तो आगे और भी जाते रहना है। अभी तक तो हाफ जर्नी भी कंप्लीट नहीं हुई, अब तक कितना चला है गाड़ी मेघालय से? हाँ मेघालय से 586 किलोमीटर चले हैं, और आज सेकंड डे है मेघालय टू दिल्ली ट्रिप के। तो जी हम आ गए हैं बिहार, और ये गए बिहार का छोटा छोटा ब्रिज, छोटा सा। अभी आगे जाके वेलकम गेट आ रहा है। ये है, ये इसका मतलब क्या है ना, छोटा छोटा गेट पुल बना, आप कुछ बोलोगे? इसका मतलब ये है, जो हम अभी गाड़ी चला के आए हैं ना, हम पानी में तैरा के ना आए, इसका मतलब ये है। पानी भी कहाँ है? नीचे पानी था। बिहार के छोटे छोटे पुल और छोटे छोटे रास्ता। हाय 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 हाय, दो गाड़ी एक साथ नहीं आ सकती। पटका रे पटका, वो अंडर कंस्ट्रक्शन में है, वो देखिए भाई, ये 2050 तक भी पूरा नहीं होगा। गाइस आपको देख रहा होगा वो धुआ धुआ, वो अंकल जी धोती वाला नहीं, वो ऊपर आग लगी हुई है। ओ माय गॉडनेस, कैसे आग लगी देखने दो हमें भी। ये देखो कहाँ आ गए,
नाम नहीं पता मुझे क्या क्या पूर्णिया 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 चलो चलते हैं अभी ये रास्ता सो गाइस हम यहाँ पे बिहार में ही है अभी फिलहाल और ढाबे में रुके सोचा कि थोड़ा पेट पूजा किया जाए तो खाने में हमें यहाँ पे बिरयानी मिलने वाली है सो बिरयानी खा के निकलते हैं और उसके पहले मुझे लग रहा है मुझे थोड़ा हल्का होना चाहिए जा रही हूँ फ्रेश ना होने के लिए थोड़ा कलर कम है क्या इसमें मैं जो बिरयानी बनाती हूँ घर में वो ज़्यादा कलरफुल होती है और ये चटनी प्याज की चटनी है ये देखो दो तरीके का राइस है येलो होगा और इतना बड़ा राइस है देख रही हूँ लंबा लंबा हाँ बड़ा है यहाँ पे वाह मेघालय में तो इतना बड़ा चावल नहीं मिला और ये क्या बोलते हैं ये हम एसी के ठंडे ठंडे हवा में खा रहे हैं गर्म मैं को चटनी के वजह से मजेदार मतलब काली मिर्च कम है हमारे यहाँ वाला टेस्ट नहीं है हाँ दिल्ली वाला हाँ बट इट इज गुड या गुड है चटनी ने धमाका मचा दिया मतलब मैं को काली मिर्च भी कम लग रही जावित्री काली मिर्च मैं तो डालती हूँ ना उसमें तो वो स्पाइसी बट अच्छी है और गाइस अभी मैं खा के बताती हूँ आपको कि कैसी है नॉर्मल है चटनी बिरयानी से ज्यादा मुझे चटनी पसंद आई अच्छी है बट मेरे से बेहतर बिरयानी मतलब इससे बेहतर बिरयानी तो मैं घर में बना लेती हूँ राइट 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 पर दिल्ली वाला मजा थोड़ी आएगा यार रोड साइड हाईवे का डोला निकल रहा है बाप रे यहाँ पे अभी तक वो नहीं हुआ क्या खत्म नहीं दशहरा आज भी चल रही है पूरा दुर्गा माता का जय माता दी जय माता दी बोलने के लिए रोक रही थी वो जल्दी मजे ले रहे हैं भैया फुल कर दो फुल फुल कर दो पेट्रोल तो गाइस सुबह से अभी सेकंड टाइम हो गया पेट्रोल भरवाया यहाँ पे भी फुल 110 रुपए लीटर है यहाँ बंगाल से यहाँ पे अला बिहार में 110 मतलब मेघालय का पेट्रोल भरवाया है तो 300 रुपए फ्री के गए मेघालय 99 बंगाल सबसे सस्ता मेघालय में पेट्रोल हाँ ओ भाई ब्लेस्ड यार रास्ता भी तो प्लस वाला रास्ता नहीं देते पेट्रोल देते अब जब पेट्रोल दे रहे हैं तो रास्ता नहीं दे रहे तो पेट्रोल का आदमी क्या चार डालेगा क्या करें अभी लूट लिया रहे दिन दोपहर लूट ला सारे पनीर का पराठा और ये गया सॉस और दही अलग से आएंगी
तो तब तक हम शुरू करते हैं ये पनीर का पराठा, खा के बताती हूँ आपको, क्योंकि ये तो लजीज सी खुशबू आ रही है। अब इसको मैं तोड़ के बताती हूँ। और ये देखिए इसका स्टफिंग, अंदर का पनीर ही पनीर, बहुत ही अच्छे स्टफिंग है इसमें। और ये मैं डाल रही हूँ अपना सॉस, ठीक है सॉस, और ये जा रहा है मेरे मुंह। वाह मजा आ गया, बढ़िया है, बढ़िया है एकदम। क्योंकि चावल खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है मेरा, इसलिए ये हल्का सा लगा, मतलब ऑर्डर कर दिया। इस मज़ेदार पराठा खाने के बाद अभी टाइम है दही खाने की। पराठा तो ख़त्म हो गया, दही बाद में आया, तो अभी ऐसे रिफ्रेशमेंट के तौर पर खाने वाली हूँ। दरअसल गाइस नया जगह नया हवा मिलके मेरे को बाउल मूवमेंट में थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, इसलिए थोड़ा दही खा के रिफ्रेशिंग होगी, इसीलिए दही ऑर्डर करा है। ऐसे ही होता है मेरे साथ, जब कभी नया जगह नया माहौल तो थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट होने में। अभी इतने दिन पता नहीं कैसे एडजस्ट करूँगी। तो गाइस भरी धूप में मैंने अपना क्या बोलते हैं लंच वंच करके पराठा खा के अभी निकले हैं। अभी सीधा लखनऊ में रोकने की कोशिश करेंगे, बीच में कहीं भी नहीं रोकनी है, वरना लेट हो जाएंगे, रात तक तो पहुंचने में दिकदारी हो जाएगी। तो और करी धूप है, देखो ये मैंने अपना ये कपड़ा बिछा दिया खिड़की की तरफ, तो लेट्स गो। तो गाइस हम यहाँ पे थोड़ा फ्रेशन अप होने के लिए रुक गए थे, और अभी हमारा लखनऊ कितना दूर है, 6 घंटे का डिस्टेंस है, ऑलमोस्ट 7 आवर्स, तो 7 आवर्स का डिस्टेंस है। और इसका डिस्टेंस मैं बता देती हूँ, 387 किलोमीटर बाकी है, तो जर्नी कंटिन्यू रहेगी और आप भी कंटिन्यू रहिएगा हमारे साथ। तो जी फाइनली हम घुस गए यूपी में, यूपी के बाद आएगा लखनऊ, अच्छा गोरखपुर आने वाले हैं, और एंट्री हो चुकी है हमारी बिहार से यूपी। अभी नहीं डल रही शाम 2 घंटे तक।